देखिए मेरी ये शिमला मिर्च प्याज और पनीर के साथ बनी हुई सूखी सब्जी जो कि बहुत फटाफट बनती है। कैसे बनती है, इसका प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब पसंद आती है सब्जी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार। देखिए नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में एक पनीर की सूखी से सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए एक प्यूरी बनाई है मैंने, एक पेस्ट बनाया है। उसमें एक प्याज, 5-6 कली लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सबको पीस लिया है टमाटर के साथ। तो ये पीस के रखा है। एक प्याज का पेटल्स है ऐसे निकाल लिया है। दो छोटी शिमला मिर्च थी, इसके जूलियंस काट लिए हैं। और ये 200 ग्राम पनीर है और इन्हीं के साथ बनेगा। इसमें कोई खास मसाले नहीं पड़ते हैं, बस वही पिसा धनिया, भुना जीरा और गरम मसाला जरा सा पड़ेगा, और ऊपर से कसूरी मेथी। और ये ड्राई सब्जी बनेगी और बहुत अच्छी, लाजवाब। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। और जिसको पहले प्याज और शिमला मिर्च को थोड़े सा अजवाइन पहले डाल के, और उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डाल के, और उसको पहले भूनूंगी। ये देखिए मैंने तेल चढ़ाया, अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज हल्का सा पहले भून लूंगी, और उसमें हल्का सा हल्दी और नमक डाल दूंगी जिससे ये गल जाए। बहुत गलेगा भी नहीं, थोड़ा क्रंची रहेगा। और इसमें हल्दी डाल के हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं, ये देखिए अब ये हल्का सा गुलाबी हो गया है और शिमला मिर्च भी पक गई है। तो इसको इसी स्टेज पे निकाल लेंगे बाहर, और उसी तेल में फिर जो मैंने पेस्ट बनाया है टमाटर प्याज लहसुन अदरक का, उसको भूनेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें इसी स्टेज पे ये 1 चम्मच हल्दी और ये पुनः ये पिसा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और इसमें अभी थोड़ी देर इसको भून लेने के बाद भुना जीरा और गरम मसाला। देखिए ये हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है, और इसमें तो पानी ज़्यादा डालना नहीं, ड्राई सब्जी बनेगी तो ये बहुत जल्दी 5-7 मिनट जितना देर हमको ये मसाला भूनने में लगता है बस उतने में ही बन जाती है। अब ये देखिए भुना जीरा मैं 1 छोटे चम्मच से डाल दे रही हूँ, और उतना ही गरम मसाला है, वैसे ही 1 छोटे चम्मच से ये गरम मसाला 1 छोटा चम्मच बस हो गया। अब फटाफट हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, और इसमें ये जो शिमला मिर्च मैंने भुना था, प्याज और ये पनीर बस। और इसको अच्छी तरह से लुटपुटा सा सूखा बनाएंगे, एकदम सूखा देंगे बहुत ही बढ़िया। ऊपर से हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म, और कसूरी मेथी ज़रा सा ऊपर से डाल के, और गर्मा गर्म सर्व करें। ये देखिए मेरी ये गर्मा गर्म सूखी सब्जी तैयार है। इसको आप टिफिन में ले जाइए, ऐसे ही पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए। बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी ड्राई बनती है शिमला मिर्च प्याज और पनीर की, जो कि मुश्किल से 7 मिनट 6-7 मिनट लगते हैं। बहुत ही बढ़िया लाजवाब, और ऊपर से हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के सर्व कीजिए। देखिए मेरी पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बन के तैयार हो गई है, और इतनी सूखी फटाफट बनने वाली, और ऊपर से आप इसी तरह से हरा धनिया से डेकोरेट कीजिए। और आपको कैसी लगी, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है और ये सब्जी बन जाती है। और फटाफट आप इसको टिफिन में दे सकते हैं, पराठे पूड़ी के साथ, एकदम से मेहमान आ जाएँ तो फटाफट बनाइए और उसे खिलाइए। और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसमें अजवाइन है, इसमें कसूरी मेथी है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर से कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल के सर्व।